शनिवार रात को होने वाले बिग बॉस में ग्रैंड फिनाले से पहले एक बड़ी खबर ये आ रही है कि संभावित विनर पारस छाबड़ा ने शो छोड़ दिया है। स्पॉट बाय वेबसाइट की माने तो पारस ने 10 लाख रुपए से भरा बैग ले लिया है और शो से बाहर होने का फैसला किया। पहले आसिम रियाज के पैसे लेकर शो छोड़ने की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सफाई देकर कहा कि वह शो में बने हुए हैं। 5 कंटेस्टेंट बाकी। सोशल मीडिया में बहस। सोशल मीडिया पर बहस चल रही है कि जब गूगल उन्हें विनर दिखा रहा है तो पारस ने ऐसा क्यों किया। संभवत उन्हें लग रहा है कि वह सिद्धार्थ शुक्ला को टक्कर नहीं दे पाएंगे और इसीलिए उन्होंने समझदारी दिखाते हुए मनी बैग ले लिया और बाहर निकल गए। पारस का बिग बॉस 13 का सफर खत्म होने के बाद अब फाइनल में 5 कंटेस्टेंट बाकी रह जाएंगे। ये 5 है सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज, रश्मि देसाई, शहनाज गिल और आरती सिंह। फाइनल से पहले दिया गया रुपयों का लालच। बिग बॉस 13 अब तक का सबसे लंबा चलने वाला सीजन रहा है और इनमें कई एक्सपेरिमेंट देखने को मिले। हालांकि फाइनल की तारीख को लेकर कंफ्यूजन सामने आया, लेकिन जब शुक्रवार रात को हमेशा की तरह पैसों से भरा मनी बैग लाया गया और बाकी बचे 6 फाइनलिस्ट को लालच दिया गया, सबसे कहा कि अगर वह चाहे तो पैसा लेकर बाहर जा सकते हैं। पहले खबर आई थी कि आसिम रियाज ने पैसे लेकर निकलने का फैसला किया, लेकिन उनकी ओर से बाद में कहा गया कि ये पैसे मैंने नहीं, पारस छाबड़ा ने लिए हैं। गूगल ने दिखाया पारस को विनर। गूगल पर बिग बॉस 13 विनर की वर्ड डालने पर पारस छाबड़ा का नाम उभर कर आ रहा है। हालांकि ना तो सलमान खान और ना ही किसी दूसरे बड़े सितारे ने नाम लेकर कोई बयान दिया है। जब गूगल पर यह कीवर्ड का उपयोग करके सर्च किया जाता है तो पारस के अलावा और किसी का नाम सामने नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है।